11th क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2D, मोशन इन ए प्लेन। भाई अभी तक हम लोगों ने बेटा स्ट्रेट लाइन में मोशन स्टडी किया, अब बात करते हैं प्लेन की। तो प्लेन क्या होता है भाई? टू डायमेंशनल सरफेस होता है, यानी इसकी दो डायमेंशंस होती हैं, दो लेंथ हो सकती है, दो लेंथ ब्रेथ बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो। बेटा फिजिक्स के अंदर ये मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है डायमेंशंस कितनी जिनको आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे दो डायमेंशंस लेने वाले हैं, जैसे कि आपका ये व्हाइट बोर्ड है, ये किस में बेटा 2D में। तो भाई टू डायमेंशनल मोशन में बेटा हम स्टडी करने के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, आपको उससे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो भाई हम बात करने वाले हैं बेटा प्रोजेक्टाइल की। किसकी? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा? कोई भी एक बॉडी जिसको प्रोजेक्ट किया गया हो या जिसको हमने थ्रो किया हो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो एक 2D सरफेस है भाई, हमारा 2D सरफेस, लेकिन भाई प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता ना। तो प्रैक्टिकली हमने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए भाई इस मार्कर को ले लो भाई, इसके टॉप से हमने भाई एक बॉल को फेंका और वो बॉल यहाँ पे आगे गिर गई। इस टॉप से एक बॉल को फेंका जो कहाँ के गिरी बेटा? यहाँ के गिरी। तो अगर आप देखोगे तो ये जो सरफेस था, जिस सरफेस में बॉल मूव की, वो कैसा है भाई? 2D है, देख सकते हो, दो डायमेंशनल है, एक तो एक्स है और दूसरी क्या है भाई? वाई, जो ये क्या है? वर्टिकल है, ठीक है। अब इसी के लिए भाई हमने यहाँ पे दो लाइन ड्रा कर ली हैं, एक एक्स एक्सिस ले लूँगा हमारे मोशन को ट्रेस करेगी और एक वाई एक्सिस ले लूँगा। ओरिजिन ले लिया भाई हमने इस मार्कर के टॉप को, इस मार्कर के टॉप को क्या लिया है भाई? ओरिजिन। यहाँ से बॉल फेंक के नीचे आगे गिरी है, तो ये जो इस ओरिजेंटल जो डिस्टेंस उसको किसके लॉन्ग लेंगे? एक्स के लॉन्ग, और जो वर्टिकल है इसको वाई के लॉन्ग। तो चलो भाई इन्हीं को स्टडी करते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं बेटा। ये एक्स है और ये आपका क्या है बेटा? वाई, और ये आपका ओरिजिन है, ये जहाँ से बॉल फेंकी गई है। प्रोजेक्टाइल भी यहाँ था, इसको इनिशियल वेलोसिटी u से क्या किया गया है? थ्रो किया गया है। ये तो पता होगा ना बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। जब आप इसको थ्रो करोगे तो आप बताओ कैसा पाथ आएगा भाई इसका? कुछ इस तरीके का ही पाथ आएगा, और यहाँ पे जाके भाई वो किसको हिट कर देगी बेटा? ग्राउंड को हिट कर देगी, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो इस लेवल पे आने के बाद हमारे ग्राउंड को क्या कर देगा भाई? हिट कर देगा। तो चलो स्टडी करते हैं, इस पॉइंट को दे लेते हैं हम सी। अब देखो ये जो आपका यू है, अगर आप इस यू को भाई रिजोल्व करना चाहो तो भाई आप दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हो। एक कंपोनेंट आपका क्या होगा भाई? यू कोस ऑफ थीटा, और सेकंड आपका क्या होगा भाई? यू साइन ऑफ थीटा। लेकिन पहले हम करते हैं भाई सिंपलर केस से, यानी विदाउट वैक्टर रिजोल्यूशन, और दूसरे केस में भाई हम वैक्टर रिजोल्यूशन का यूज करके करेंगे। आपको बेटा जो मेथड अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो। तो भाई हम दोनों केसेस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट देखो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन की बात करता हूँ मैं, किसके अलोंग भाई? एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे लिख देते हैं भाई एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को सोल्व करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग पहले तो डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं हम, जो हमारी एक्स के एक्स वैक्टर होगा। अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को काउंट करना चाहते हो तो कैसे काउंट करते हो भाई डिस्प्लेसमेंट को? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ऐसे ही मेजर करते हो ना। एग्जांपल भी लेके बताया था भाई, अगर बाय चांस ये कोई स्केल है 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये है, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, तो आप कैसे मेजर करते हो भाई? 4 - 2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे भाई फाइनल और इनिशियल क्या हो जाएंगे? देखो फाइनल तो है आपकी एक्स, और इनिशियल है एक्स नोट, यानी एक्स नोट से लेकर कहाँ तक? एक्स तक। इक्वेशन मोशन में s इक्वल टू क्या था भाई? यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। सारी चीजें बेटा x के लॉन्ग ले रहे हो, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी किसके लॉन्ग लेनी पड़ेगी? x के लॉन्ग। एक्सेलरेशन भी किसके लॉन्ग लेना पड़ेगा भाई? x के लॉन्ग। टाइम तो बेटा इंडिपेंडेंट होता है, तो सोल्व करो भाई इसको। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी? एक्स नोट प्लस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। भाई म्यू में और यू में डिफरेंस रखना, ये होता है म्यू और ये होता है यू, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के क्या लिए क्या लिखते हो बेटा? यू। तो यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी,
एक चीज़ और बेटा, टी कुछ स्टूडेंट ऐसे प्लस जैसा ही बना देते हैं, कोशिश करो भी टी को नीचे से थोड़ा सा बेंड कर दो बेटा, जिससे पता चल जाए कि ये प्लस का साइन है और ये क्या आपका टी है। अब भाई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ओरिजिन से स्टार्ट किया था तो ये तो होगी भाई जीरो आपकी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी भाई यू है, एक्स के लॉन्ग, किसके लॉन्ग फेंका गया था भाई इसको, एक्स के लॉन्ग फेंका गया था, तो यू किसके लॉन्ग है भाई, एक्स के लॉन्ग है। टी टी एज इट इज भाई प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन, क्या एक्स के लॉन्ग कोई एक्सीलरेशन है भाई, एक्स के लॉन्ग बेटा कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्स के लॉन्ग एक्सीलरेशन नहीं है तो जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है एक्स के लॉन्ग विदाउट एक्सीलरेशन, इनटू टी का स्क्वायर, तो यहां से जो आपको मिला है वो मिला बेटा एक्स इज इक्वल टू यू टी, ठीक है। अगर आप यहाँ से t की वैल्यू निकालना चाहो, जो कि भैया हम आगे यूज करने वाले हैं, t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई x बाई यू। तो ये तो भाई हमने सोल्व कर दिया है, मोशन किसके अलोंग भाई x के अलोंग, भाई वो इतने टाइम के बाद तो बेटा इस ग्राउंड को हिट कर देगा, t इज इक्वल टू एक्स पॉन यू। अब देखो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को ज़्यादा कर देते हो यानी उसको बहुत जोर से फेंकते हो तो गिरने में टाइम भी क्या लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर भाई वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है बेटा, अगर ज़्यादा दूर तक जाता है तब भी वो क्या बेटा लेट गिरेगा, ठीक है, यानी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, ज़्यादा होगा। तो भाई ये था एक्स के लॉन्ग मोशन, एक्स के लॉन्ग मोशन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हमारे पास निकल के आया है उसको लिख देते हैं भाई, जो हमारा एक्स आया है ये वेलोसिटी भी आपकी बेटा एक्स के लॉन्ग ही है, तो इसे जो जरूर याद रखना, जो आपका एक्स आया है वो आया है आपके पास यू एक्स टी, ठीक है भाई, एक्स के लॉन्ग मोशन आ गया। नेक्स्ट मोशन निकाल लेते हैं भाई वाई के लोग, वाई एक्सिस के लोग, वाई एक्सिस के लोग बेटा और भी सिंपल है, कैसे देखो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, वाई नॉट, सॉरी हाँ ठीक है बेटा, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल। अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो बेटा इसको आप ऐसे भी करके लिखा दिखा सकते हो, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, अब u किसके लॉन्ग लोगे भाई, t के y के लॉन्ग प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन भी किसके लॉन्ग लोगे, y के लॉन्ग, क्यों, क्योंकि y के लॉन्ग हम भी सोल्व कर रहे हैं, इन टू टी का स्क्वेयर। अब ये क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वेयर। y तो एज इट इज, इनिशियल क्या है भाई वाई के लॉन्ग जीरो, क्योंकि बेटा हमने ओरिजिन अप साइड लिया, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जीरो मत ले लेना, ओरिजिन कहाँ लिया हमने बेटा टॉप पे, तो जहाँ ओरिजिन होता है वहीं पे जीरो जीरो पॉइंट होते हैं, तो आपका यू तो क्या हो गया भाई जीरो। प्लस वाई के लॉन्ग कोई वेलोसिटी है नहीं भाई, हमने तो इसको किसके लॉन्ग प्रोजेक्ट किया था एक्स के लॉन्ग, तो वाई के लॉन्ग भी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या है बेटा जीरो। प्लस हाफ ऑफ एक्सीलेशन अलोंग वाई, वाई के अलोंग कोई एक्सीलेशन लग रहा है भाई, वाई के अलोंग एक्सीलेशन लग रहा है और उस एक्सीलेशन का नाम है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी इसको किसकी तरफ खींच रही है बेटा, नीचे की साइड खींच रही है, तो ये एक्सीलेशन किस साइड है भाई, वाई की साइड है, तो वाई की साइड जो एक्सीलेशन लग रहा है उसका नाम है भाई जी, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टू टी का स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके पास वाई आ चुका है भाई हाफ ऑफ जी इन टू टी का स्क्वेयर। अब भाई अगर आप यहाँ से t की वैल्यू निकालना चाहो तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई आपकी x डिवाइडेड बाई u ऑफ x, तो पुट कर दो भाई यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा बेटा x हाफ ऑफ g x डिवाइडेड बाई यू एक्स इसका होल स्क्वायर, यही आएगी। अगर आप इसको अंदर की साइड बेटा सारे को एक जैसा करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वेयर का ब्रैकेट और एक्स का होल स्क्वेयर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई इस तरीके से है ना ये पैराबोला की इक्वेशन बन जाती है, किसकी इक्वेशन बन जाती है बेटा पैराबोला की, और ये जो आपका पाथ होता है कैसा होता है भाई पैराबोलिक होता है बेटा। देखो यहाँ पे क्या किया हमने एक्स स्क्वेयर को बाहर ले लिया, तो ठीक है भाई एक्स के साथ तो क्या था बेटा स्क्वेयर था, तो एक्स स्क्वेयर क्या आ गया है बाहर आ गया है, जबकि नीचे क्या बच गया यू का स्क्वायर और जी को अंदर की साइड क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है, और आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई भाई पैराबोला की। तो भाई आपका जो पाथ होने वाला प्रोजेक्ट है वो कैसा होने वाला है बेटा पैराबोलिक होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या हम बोल सकते हैं भाई स्टैंडर्ड
कुछ डेरिवेशंस कर लेते हैं, जैसे कि भाई इस प्रोजेक्टिल की रेंज क्या होगी, यानी एक्स स्केल होंगे कितना मूव करेगा। आप निकाल तो चुके हो एक्स एक्सिस मोशन जब आपने सोल्व किया, लेकिन अब भैया हम इनको ना स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि एक तो निकाल लेते हैं भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि वो कितनी देर तक हवा में रहने वाला है मिड एयर में। तो चलो निकालते हैं यहाँ से भाई, मैं ये रब कर रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा कितनी देर ये एयर में रहेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लो, वो भी वाई एक्सिस लो, डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, क्या थी भाई वाई के लोग जो मोशन था, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो ये यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई के लोग इनिशियल क्या था भाई जीरो, प्लस कोई वेलोसिटी थी भाई इनिशियल वाई के लोग नहीं, किसके लोग थ्रो किया था हमने इसको एक्स के लोग, तो वाई के लोग इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जीरो, प्लस हाफ ऑफ एक्सीलेशन था भाई, और वो क्या था भाई एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू, अब इस स्मॉल टी को भाई हम लिख देते हैं कैपिटल टी के स्क्वायर से। जब यहाँ से कैपिटल टी का स्क्वायर निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा भाई, वो आ जाएगा बेटा आपके पास अंडर रूट ऑफ टू वाई डिवाइडेड बाई जी। अब भाई इस वाई को आप एच लिख सकते हो, इस वाई डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो एच, तो इस वाई की जगह अगर आप एच लिख दोगे तो ये हो जाएगा टू एच बाई जी। तो हमने भाई इसको स्टैंडर्ड पैरामीटर के फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, वाई को किससे चेंज कर दिया है एच से, एच क्या है भाई आपकी हाइट है, और डिवाइडेड बाई जी। तो ये किस कैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा स्टैंडर्ड पैरामीटर के फॉर्म में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई हॉरिजॉन्टल रेंज की, भाई हॉरिजॉन्टल कितनी दूर जाने वाला है, निकाल तो चुके हो आप एक्स की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरामीटर की और फॉर्म में निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए भाई एक्स एक्सिस वाले इक्वेशन का यूज कर लो, वो क्या होने वाली है बेटा एक्स इजल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी, यू में और म्यू में भी डिफरेंस रखना, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का स्क्वेयर वैल्यू पुट करो। तो इनिशियल क्या था भाई जीरो से स्टार्ट हुआ था ना एक्स भी, प्लस वेलोसिटी क्या दी थी भाई यू दी थी, टाइम आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो टाइम की जगह आ जाएगा बेटा आपका कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ एक्सीलेशन क्या है जीरो है एक्स के लोग और टी का स्क्वेयर। अब भाई कैपिटल टी जब आपने बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाला तो आपका आया था अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी, तो वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल टू आपका अभी तक क्या बचा बेटा यू टी, इसको क्या लिख सकते हो यू इंटू टी की जगह क्या जाएगा भाई टू एच बाई जी। अब भाई इस एक्स को, एक्स क्या है यही है ना आपका, इसकी जगह बेटा आर लिख दो स्टैंडर्ड पैरामीटर की फॉर्म में हो जाएगा रेंज की फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा यू अंडर रूट ऑफ टू एच डिवाइडेड बाई जी, टू एच डिवाइडेड बाई जी, ये आपका क्या हो गया भाई ओरिजेंटल रेंज आ चुकी है। निकाला आप पहले भी चुके हो एक्स की फॉर्म में, लेकिन अब हमने बेटा एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया है आर से, वाई को किससे एच से, स्मॉल टी को कैपिटल टी से, सॉरी भाई, यानी हमने स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसी को। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है भाई आपका, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताओ प्रोजेक्टाइल की क्या है, क्या बताओ बेटा वेलोसिटी बताओ प्रोजेक्टाइल की क्या है, तो कैसे निकालोगे। तो देखो भाई अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी होने वाली है, एक तो किसके लॉन्ग होगी यू एक्स जो आपके एक्स एक्स जो लॉन्ग होने वाली है, और एक क्या होगी भाई यू वाई जो किसके लॉन्ग होने वाली बेटा वाई के लॉन्ग। इनिशियली वाई के लॉन्ग जीरो वेलोसिटी थी, लेकिन एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा यू वाई, और जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हो ये पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस यू वाई को इस साइड पे ज़ूम भी कर सकते हो, और यहाँ से इस रिजल्टेंट को आर को आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बेटा आर ना लिख के हम इसको क्या लिखेंगे यू ही लिख लेते हैं, वी लिख लेते हैं, क्योंकि आर तो यहाँ पे क्या हमारी ओरिजेंटल रेंज है। तो चलो सोल्व करते हैं भाई वी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका वी आएगा वो रिजल्टेंट से क्या आएगा भाई आपकी वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग प्लस वेलोसिटी वाई के लॉन्ग। एक चीज़ और ध्यान रखना है भाई यू वाई और यू एक्स नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है क्योंकि बेटा ये होती है इनिशियल और यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं फाइनल, तो ये हो जाएगा बेटा वी एक्स एंड वी वाई, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है। इनिशियल तो किस पॉइंट पे होंगे भाई ओरिजिन पे होंगी, बाद में जहाँ कहीं भी लो आप क्या लोगे वी लोगे भाई, यू नहीं लोगे।
तो ये आपकी बेटा वेलोसिटी आ गई किसी भी इंस्टेंट पे। अगर वैल्यू पुट करना चाहो तो पुट भी कर सकते हो। देखो एक्स कैलोम तो भाई हमने यू से थ्रो की थी तो यू से ही मूव करती रहेगी। अगर क्या नहीं हो बेटा, एयर ड्रैग ना हो, यानी ये सारे के सारे जो आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो किस पे कर रहे हो भाई, वैक्यूम के अंदर बेटा, तो यू से थ्रो किया था तो यू से ही मूव करती रहेगी एक्स कैलोम जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं कर लेती। वाई कैलोम क्या आई थी भाई आपकी, वाई कैलोम आई थी बेटा हमारी जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ये कैसे आई भाई वाई कैलोम, ये वेलोसिटी, चलो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। देखो वी इज इक्वल टू क्या आती है, यू प्लस ए टी, वाई कैलोम सोल्व कर लो भाई इस इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई यहाँ से क्या आएगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई कैलोम क्या थी बेटा जीरो, प्लस ए वाई एक्सीलेशन वाई कैलोम क्या है सिर्फ एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टाइम। तो भाई मैंने यही तो लिखा है वी इज इक्वल टू जी टी, या फिर वी वाई का स्क्वेयर था तो क्या हो जाएगा जी टी का स्क्वेयर। तो भाई ये हमारे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आ गई है एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये आपका बेटा ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल हो चुका है। नेक्स्ट देखो, अगर आपका प्रोजेक्टाइल हो भाई एंगुलर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली केसेज में होता है, आपका प्रोजेक्टाइल कैसा हो भाई एंगुलर, एंगुलर का कहने का पर्पज सुना भाई, ये बेटा आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे बेटा कोई टैंक एज्यूम कर लेते हैं हम, चलो, और इसने किसी ग्रेनेड को थ्रो किया है और वो कुछ इस तरीके से गिरा है भाई। अब देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो भाई हमारे पास कुछ इनिशियल पैरामीटर्स होंगे। इनिशियल पैरामीटर्स क्या क्या हैं भाई, एक तो भाई इसकी वेलोसिटी है, यू से थ्रो किया है, थीटा एंगल बना रहा था ओरिजिनल कंपोनेंट के साथ, ओरिजिनल कंपोनेंट के साथ कैसे एंगल बना रहा था बेटा थीटा, तो रिजोल्व करके बताओ भाई मेरे को क्या आएगा। एक्स कैलोम क्या आएगा बेटा यू कोस ऑफ थीटा, वाई कैलोम क्या आएगा भाई यू साइन ऑफ थीटा, यही दो कंपोनेंट रिजोल्व होंगे ना। इसके अलावा भाई इसको हम क्या बोल देते हैं ओरिजिनल रेंज, जिसको किससे डिनोट करते हैं आर से, इस हाइट को बोल देते हैं हम बेटा एच। तो चलो सॉल्व करते हैं भाई इस एंगुलर प्रोजेक्शन। तो भाई फर्स्ट चीज जो हम निकालते हैं वो निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपकी मर्जी, चाहे ओरिजेंटल मोशन ले लो चाहे वर्टिकल मोशन ले लो, लेकिन यहाँ पे बेटा हम रिस्ट्रिक्ट हैं वर्टिकल मोशन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप ओरिजेंटल लोगे तो आपको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा जीरो टू एक्स रेंज तक, लेकिन देखो वर्टिकल में देखो हमें पता है भाई जितना टाइम इसने जाने में लगाया होगा उतना ही टाइम आने के टाइम पे लगेगा, यानी टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग आपका क्या देता है टाइम ऑफ फ्लाइट दे देता है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बेटा टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग। अब जब ये असेंड करता है यानी ऊपर की साइड पर जाता है तो बेटा इस पॉइंट पे जाने के बाद इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है यानी वी वाई वो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, और इसी पॉइंट पे आपकी जो एक्स एक्सिस की अलोंग वेलोसिटी है वो क्या रहेगी आपकी वी एक्स ही रहेगी, वो जीरो नहीं होगी। समझ में आया बेटा ये, या जो इनिशियल थी, इनिशियल क्या थी भाई आपकी यू कोस थीटा। अब ये यू कोस थीटा क्यों रही बेटा, पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल सिर्फ एयर ड्रैग लग सकता था, यानी एयर ही इसको क्या कर सकती थी इफेक्ट। अब हम कैस में ले रहे हैं इसको वैक्यूम में, तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्ट होगा, वो भी किससे भाई एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जिसको आप जी से डिनोट कर देते हो। ठीक है, तो चलो इसी चीज का हम यूज करते हैं। तो भाई अगर आप वाई के अलोंग अगर इक्वेशन लिखना चाहो तो देखो वाई के अलोंग कैसे लिखोगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा है किस एक्सिस के लिए वाई एक्सिस के। तो भाई वाई एक्सिस के लिए देखो भाई टॉप पे जाने के बाद वेलोसिटी क्या है जीरो है, ये वाला केस ले लिया भाई, टॉप पे जाने के बाद आपकी वी वाई क्या हो गई है जीरो हो गई है, इज इक्वल टू यू वाई उस टाइम पे क्या हो जाता है बेटा आपका यू साइन ऑफ थीटा, यू वाई इनिशियल कंपोनेंट अलोंग
वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग बेटा आपका क्या है यू साइन थीटा। भाई यहाँ पे आपको यू एक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन थीटा बता रहा है हमें ये किसके अलोंग है एक्स एक्सिस के अलोंग, और कोस थीटा बता रहा है हमें किसके अलोंग है बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है हमारी यू साइन थीटा प्लस एक्सीलेशन। देखो बेटा हमारा मोशन है अपसाइड, मोशन किस डायरेक्शन में बेटा अपसाइड, और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रही है डाउनवर्ड, तो कैसा साइन लोगे भाई नेगेटिव साइन लोगे बेटा, इस चीज़ जरूर ध्यान रखना। प्रीवियस केस में हमारा प्रोजेक्टाइल भी नीचे गिर रहा था और एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे थी, तो हमने कैसे किए थे पॉजिटिव। इस केस में हमारा प्रोजेक्टाइल अपसाइड जा रहा है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, तो कैसा साइन लिया भाई नेगेटिव साइन लिया बेटा। अब देखो इसको एक सेकेंड इंटू टी, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा टाइम ऑफ असेंडिंग, असेंड करने में जो टाइम लगा है। अगर आप यहाँ से टाइम ऑफ असेंडिंग अगर आप निकालना चाहो, टाइम ऑफ असेंडिंग इसको कैपिटल टी ए से लिख लेते हैं भाई, क्योंकि हमने अपसाइड कैपिटल टी ए से लिखा है भाई। कैपिटल टी ए हमारे पास यहाँ से क्या आएगा बेटा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर आप टी निकालोगे तो टी क्या था भाई आपका टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का टाइम इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ असेंडिंग। वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ से यहाँ पे, आप लोगों को भैया एरो ड्रा नहीं करनी, आपको लिखना है बेटा इसको इक्वेशन एज्यूम कर लेना, जैसे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा टू इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आपका क्या आ गया भाई टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया भाई। इंपॉर्टेंट रिजल्ट को बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं हम, फर्स्ट हमारा जो रिजल्ट आया वो आया टी का, टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया भाई। नेक्स्ट पैरामीटर देखो बेटा, नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं भाई मैक्सिमम हाइट। क्या निकालने वाले हैं बेटा मैक्सिमम हाइट, सेम फिनोमिना यूज करने वाले हैं। किस चीज़ का भाई हम यहाँ पे यूज करेंगे कि भाई फाइनल वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, तो चलो निकालते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग मोशन की इक्वेशन क्या होगी भाई, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी। अगर भाई आपको ये दो इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर आपको ये दो इक्वेशन आती है तो बेटा प्रोजेक्टाइल सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो अब देखो वी वाई, वाई क्या है बेटा आपका मैक्सिमम हाइट जो इसने अटेंड की है, इस केस मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की बेटा इसने एच, तो बेटा वाई की जगह आप क्या लिख दोगे सिंपल एच लिख दोगे। नेक्स्ट देखो भाई वाई नोट, इनी वाई नॉट क्या है भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा ओरिजिन से, तो इनिशियल हाइट उसकी क्या है जीरो है, इनिशियल हाइट क्या है बेटा जीरो। इनिशियल वेलोसिटी वाई के लोन क्या है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा अगेन बेटा यू के साथ वाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसके अलोंग है भाई वाई एक्सिस के अलोंग है, कौन बता रहा है हमें साइन थीटा ही बता देता है ये चीज। इंटू टी, अब प्लस हाफ ऑफ ए वाई, अब ए वाई क्या आपका एक्सीलेशन अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल अप साइड जा रहा है और ग्रेविटी डाउन साइड है, इंटू टी का स्क्वायर होता है बेटा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब ये टी क्या है बेटा आपका टाइम ऑफ असेंडिंग है और ऐसे ही सिमिलरली वो क्या आता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग, तो भाई टाइम ऑफ असेंडिंग क्या था बेटा इसका हाफ था ना, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है बेटा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है कंप्लीट, टाइम ऑफ असेंडिंग ये है और टाइम ऑफ डिसेंडिंग ये है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू और लिख दो भाई, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी भाई जीरो तो हटा दिया बेटा हमने यू साइन थीटा, टी की जगह क्या आ जाएगा भाई इसका हाफ करोगे तो बेटा टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वेयर, ये आ गया भाई। टी की वैल्यू पुट किए बेटा सिर्फ, और टी में टू नहीं आएगा क्योंकि टाइम ऑफ असेंडिंग जो होता है वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है हाफ होता है। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया भाई ये, माइनस हाफ ऑफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई जी। आप देख सकते हो बेटा वन माइनस हाफ है ये यू स्क्वेयर साइन थीटा बाई जी, यहाँ भी है यू स्क्वेयर साइन थीटा बाई जी यहाँ भी है, तो भाई वन में से हाफ माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा हाफ बचेगा, वो भी कैसा पॉजिटिव किया जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर किसी को ये समझ में ना आया हो तो बेटा सिंपल एलसीएम ले लेना।
तो ये आपकी क्या आ गई बेटा, मैक्सिमम हाइट। तो चलो मैक्सिमम हाइट को भी यहाँ पे लिख देते हैं हमारे। जो आपका एच आया है वो आया बेटा 1/2 ऑफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज, रेंज बेटा हमेशा ओरिजेंटल ही लेंगे। तो रेंज निकालने के लिए भाई कैसे निकालोगे बेटा, सिंपल वही फॉर्मूला बार बार यूज करना है। एक्स के अलोंग इक्वेशन लिखो तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू इनिशियल तो जीरो था, u x क्या है बेटा इनिशियल वेलोसिटी लोगे x एक्सिस यानी u cos ऑफ थीटा इनटू t प्लस हाफ ऑफ x के लोगे बेटा कोई एक्सीलरेशन नहीं है इनटू t का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास x इज इक्वल टू आया है u cos थीटा t, और यही x आपका क्या है r है, तो इसको r लिख दो। ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, और टी देखो भाई रेंज के लिए बेटा कंप्लीट टी लेना है। रेंज के लिए क्या लेना है, कंप्लीट टी। हाइट के लिए तो क्या लिया था भाई, टाइम ऑफ असेंडिंग ले लो या टाइम ऑफ डिसेंडिंग ले लो। हाइट के लिए तो हमने लिया था बेटा यहाँ पे टाइम ऑफ असेंडिंग, लेकिन रेंज के लिए बेटा हमें कंप्लीट टाइम लेना पड़ेगा, कंप्लीट टाइम लेना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई यू कोस थीटा, टी की जगह क्या आ जाएगा भाई टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आपकी यहाँ से रेंज जो निकल के आएगी वो आएगी भाई यू स्क्वेयर जी टू साइन थीटा कोस थीटा। ये भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है जो शायद आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और ये क्या आएगा आपका टू साइन थीटा कोस थीटा हो जाता है बेटा साइन टू थीटा। क्या हो जाता है, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये आपकी क्या आ चुकी है भाई रेंज, मैक्सिमम रेंज निकालनी है। तो भाई मैक्सिमम रेंज के लिए बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन टू थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई मैं, आपका साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कहने का पर्पज 1 होना चाहिए। तो ये कब होगा भाई, जब आपका साइन थीटा की जगह बेटा 45 डिग्री रख दो, ये किसके इक्वल आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि साइन 45 इंटू 2 क्या जाता है 90, साइन 90 1 होता है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी थीटा इज इक्वल टू 45 पे आपको आर क्या मिलता है बेटा, मैक्सिमम मिलता है, जो किसके इक्वल होता है यू स्क्वायर बाई जी, और साइन टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी आपके पास क्या है यू स्क्वायर बाई जी। ये वो मैक्सिमम रेंज है भाई जिस तक आपका प्रोजेक्टाइल जा सकता है। कब जाएगा भाई, जब 45। तो बेटा आपको जब कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकनी हो ना हॉरिजॉन्टल रेंज में, तो आप एंगल कितना कितने पे फेंको उसको, 45 डिग्री के एंगल पे फेंको भाई। ऐसे ही यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा, ये आपके सारे ये रिजल्ट बेटा आपको डायरेक्ट लर्न भी होने चाहिए। आर आपके पास आया है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। किसी का भी मैक्सिमम पूछा जा सकता है आपसे, किसी का भी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल क्या करना है, मैक्सिमम करना है। साइन और जो कोस की जो वैल्यू होती है बेटा मैक्सिमम वो 1 होती है, और मिनिमम -1। ऐसे ही टेंजेंट बेटा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक वेरी कर लेता है आपका। अगर आप किसी वेलोसिटी निकालना चाहो तो बेटा इसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी इंस्टेंट पे अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे। वही है बेटा, दो कंपोनेंट होंगे आपके वेलोसिटी के। एक तो कंपोनेंट किसके लोंग भाई, एक कंपोनेंट आपका बेटा वी वाई वाई के लोंग, और एक कंपोनेंट आपका x के लोंग, जिसको आप क्या लिख सकते हो वी एक्स। तो चलो हमारे टोटल v निकालते हैं। तो टोटल v आपकी क्या आएगी बेटा, टोटल v आएगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। दोनों वेलोसिटीज आपको पता है भाई, x के लोंग क्या आती है बेटा आपकी वेलोसिटी u cos थीटा, और y के लोंग क्या आएगी भाई u sin थीटा माइनस जी टी का, यहाँ पे क्या जाएगा भाई होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे आई भाई, सिंपल सी बात है, दोनों के लिए बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, या फिर वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, आपकी मर्जी किसी भी इक्वेशन का यूज कर लेना।
देखो दोनों निकाल के दिखा देता हूँ। मैं एक्स के लॉन्ग निकालनी है तो ये भी एक्स के लॉन्ग लोगे, एक्सेलेरेशन भी एक्स के लॉन्ग इनटू टी। तो वी एक्स आपके पास यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या है भैया आपकी यू कोस थीटा, एक्सेलेरेशन क्या है जीरो टाइम, तो ये आपके पास क्या आएगी भाई यू कोस थीटा। तो वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस आपकी क्या है यू कोस थीटा जो हमने यहाँ पे पुट की है। सिमिलरली बेटा वाई के लॉन्ग निकालना चाहो तो सारे कंपोनेंट वाई के लॉन्ग, तो ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई के लॉन्ग क्या है आपका यू साइन थीटा प्लस एक्सेलेरेशन बेटा माइनस जी लग रहा है इंटू टी। तो यहाँ से आपका क्या आ गया बेटा वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी जो कि हमने यहाँ पे पुट की हुई है ये वाली वैल्यू। ठीक है भाई, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा दो ही यहाँ पे यूज होंगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। थर्ड इक्वेशन को भी आप यूज कर सकते हो लेकिन बेटा वो क्या है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। उस केस में बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो बेटा उस इक्वेशन का यूज मत करना। कौन सी इक्वेशन का? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन का यूज करने से बेटा हरदम बचना क्योंकि इसमें बेटा दोनों साइड स्क्वायर है और जब आप स्क्वायर लोगे तो बेटा यहाँ पे अंडर रूट आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे जो कि सोल्व करने में क्या होता है डिफिकल्ट होता है। तो भाई ध्यान रखना सिर्फ दो इक्वेशन का यूज़ करना, कौन कौन सी v इज इक्वल टू यू प्लस 80, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर। कोशिश करना इन दो इक्वेशन से आपका रिजल्ट आ जाए क्योंकि भाई ये थर्ड इक्वेशन आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ बना देती है। अब भाई आपने वैल्यू पुट कर दी है इसी को बेटा सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास क्या आएगा वी अंडर रूट ऑफ ये तो हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस भाई थीटा का स्क्वायर कभी मत कर देना ऐसे ही बेटा, ये ए माइनस बी का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी यही हो जाएगा। अब इसी को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या भाई यू स्क्वायर दोनों से आप कॉमन ले सकते हो, तो यू स्क्वायर कॉमन आ चुका है, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस और इस टर्म से बेटा यू स्क्वायर कॉमन लिया है प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। कोशिश किया करो कि भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेटा उसको आप लास्ट में लिख दो। तो ये वी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका क्या होता है बेटा वन होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। ये भाई किसी भी इंटरवल पे आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या है बेटा वेलोसिटी है। एंगल पूछ लिया जाए तो भाई आपसे एंगल पूछ लिया जाए तो एंगल निकालो बेटा। तो देखो एंगल हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारा जो एंगल है वो टेंजेंट बीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा क्यों निकाला भाई? क्योंकि हमेशा टेंजेंटली होता है ये जो आपका होता है, ये कैसा होता है भाई टेंजेंटली होता है बेटा, और ये आपका एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या आपका थीटा, तो ये टेंजेंट थीटा निकालना हमें। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बेटा देखो इस ट्रायंगल में हम एक दो नाम दे लेते हैं, वो क्या क्या है, जो आपका ओरिजेंटल है बेटा उसको तो दे लेते हैं हम पी और इसको एल और इसको एम, तो और ये हमारा रिजल्टेंट है इसको आर ही लिख लेते हैं। वैसे आर का यूज मत किया करो क्योंकि आर आपकी रेंज होती है लेकिन अभी के लिए मैं आर ही लिख रहा हूँ भाई इसको। तो टेंजेंट बीटा आपका यहाँ से क्या आ जाएगा भाई आर एल डिवाइडेड बाई पी एल, या हम इसको लिख सकते हैं पी एम डिवाइडेड बाई पी एल इज इक्वल टू क्या है भाई वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, और ये आपका किसके इक्वल है भाई यू साइन थीटा माइनस जी टी निकाल चुके बेटा बार बार, और वी एक्स क्या आपका यू कोस थीटा सेपरेटली डिवाइड कर दो यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कोस ऑफ थीटा। साइन थीटा बाई कोस थीटा आपका क्या हो जाता है बेटा टेंजेंट थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कोस ऑफ थीटा। तो ये वो एंगल है बेटा जो ओरिजेंटल एक्सिस के साथ बनाएगा वो किसी इंस्टेंट टाइम के टी के। ठीक है भाई, तो ये आपका बेटा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कंप्लीट सोल्व हो जाता है। इसको बेटा खुद से मैक्सिमम केसेस निकालने की कोशिश करना, और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने कराया आप उसी से करो भाई। आप
बता चुका हूँ मैं, दो इक्वेशन है बेटा, दोनों में से किसी का भी यूज कर लेना, आपकी चॉइस है। लेकिन एक बात कन्फर्म है भाई, जो फाइनल रिजल्ट होगा बेटा वो सेम ही आएगा। अगर आपके फाइनल रिजल्ट सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है बेटा, या तो आप उसको अभी और भी सोल्व कर सकते हो, या फिर बेटा आपने उसकी क्या नहीं निकाली है, कंप्लीट वैल्यू अभी तक नहीं निकाली है। नेक्स्ट भाई, अब हम बात करने वाले हैं एंगुलर मोशन की बेटा। कैसे मोशन की? एंगुलर मोशन की। तो बेटा एंगुलर मोशन क्या होता है आपका? जब भाई कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो, वो कैसे पाथ में मूव कर रहा हो भाई? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कैसे पाथ में मूव कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो देखो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर अप करेगा, तो इसको हम ले लेते हैं थीटा। अब ध्यान से देखना भाई, नॉर्मल केस में तो क्या मूव करता है बेटा, वो एस या एक्स डिस्टेंस मूव करता है। लेकिन इस केस में वो कैसी मूव करेगा भाई? थीटा करेगा, रोटेशन के केस में। अगर ये आपका आर है, ये अगर आपका पॉइंट पी है, ये क्यू है और ये ओ है, तो बेटा देखो टी टाइम पे ये पी पॉइंट पे था, तो टी प्लस डेल टी यानी स्मॉल चेंज होने के बाद टाइम का ये पहुंच गया भाई क्यू पॉइंट पे। तो चलो इसी मोशन को भाई हम सोल्व करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा। एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं भाई ओमेगा से, और ये होती है आपकी नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस आपकी क्या है? थीटा डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर ट्रेस डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये आपकी क्या है भाई? एंगुलर वेलोसिटी। क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। आपको इसको भाई डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है बेटा। नेक्स्ट अब भाई बात कर लेते हैं हमारे सिंपल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो देखो अगर मैं इसको एल लेंथ अज्यूम कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी पी और क्यू के बीच की है वो एल है, तो दोनों वेलोसिटी निकालो। तो आपकी जो सिंपल वेलोसिटी हो जाएगी वो तो क्या हो जाएगी भाई? डेल एल बाई डेल टी, यही होगी। और एंगुलर क्या हो जाएगी बेटा? एंगुलर हो जाएगी डेल थीटा बाई डेल टी। दोनों में बेटा आपको कोई क्वांटिटी या कोई टर्म आपको एक जैसी दिखाई दे रही है? हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें एल और थीटा के बीच में एक रिलेशन पता है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। वो क्या था भाई? कि थीटा क्या होता है बेटा? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारी यहाँ पे क्या है? डेल एल डिवाइडेड बाई डेल आर्क अपॉन रेडियस। बेटा आर्क तो आपकी डेल एल है, ये जो आपकी डेल एल है, और आर्क आपकी क्या है बेटा? सॉरी रेडियस क्या आपकी? आर। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस भाई, ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, आप एक बार इसको रिकैप भी कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो भाई हमें चाहिए डेल थीटा और डेल एल, तो इससे तो डेल एल आ जाएगा आपका। डेल एल क्या आ जाएगा बेटा? वी इंटू डेल टी। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बेटा? डेल थीटा। डेल थीटा क्या आएगा? ओमेगा इंटू डेल टी। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, इसके अंदर करोगे तो ओमेगा डेल टी इज इक्वल टू वी डेल टी डिवाइडेड बाई आर। डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिलेशन आया वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो भाई हमारी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी का आर टाइम क्या होती है बेटा? मल्टीपल होती है। और आर क्या होती है? एंगुलर रेडियस होती है उस पाथ की। ठीक है भाई, एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी बेटा, रिलेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो भाई चलो एक्सीलरेशन और निकालते बेटा। वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है, तो वेलोसिटी का क्या कर दो बेटा? डेरिवेटिव कर दो। वेलोसिटी आपकी क्या आई है भाई? ओमेगा आर, यही होता है एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन को बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन को एंगुलर मोशन के केस में भाई, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो बेटा मैं थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूँ। देखो एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं अब हम। क्या निकाल रहे हैं बेटा? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। अब ये क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ये तो थी भाई सिंपल वेलोसिटी। अगर आप इसको एंगुलर के केस में लिखोगे तो क्या हो जाएगी भाई? ये ओमेगा आर, क्योंकि वी इज इक्वल टू क्या आपका? ओमेगा आर। तो भाई वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगी बेटा? डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। तो यहाँ से आपका अल्फा, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन को लिख देते हैं भाई हम अल्फा से, और ये क्या हो जाता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चलो सिंपल एक्सीलरेशन के साथ इसका रिलेशन और निकाल लेते हैं।
सिंपल एक्सीलरेशन आपका क्या होता है भाई, डीवी बाई डी टी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को बेटा एंगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो सिंपल को, लीनियर वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट कर दो, एंगुलर में। तो भाई अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। अब डी ओमेगा बाई डी टी क्या आपका अल्फा, तो आपके पास एक्सीलरेशन आ गया है लीनियर एक्सीलरेशन में और एंगुलर एक्सीलरेशन में। तो बेटी ये था आपका एंगुलर मोशन।